अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एंटरप्रेन्योरशिप के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। थोड़ा सा हम पहले दोबारा एंटरप्रेन्योरशिप के उस लेक्चर को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर आपका एंटरप्रेन्योर प्रोसेस है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, देखा था कि व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, हमने उसकी डेफिनेशन को देखा, एग्जांपल को देखा, फिर उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ऑर्गेनाइजेशन फ्रैगिलिटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्क, इनिशियल स्टेज, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, वो आज वो हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपके पास कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये रूट वर्ड टू डेज मीनिंग में वही बात है कि द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑपरेटिंग एंड अज्यूमिंग द रिस्क ऑफ अ बिजनेस वेंचर। बिजनेस वेंचर मीन जो भी आप अपना कारोबार का सफर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके अंदर आप जो प्लानिंग कर रहे हैं या चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या जो आपके डेली बेसिस के ऑपरेशंस हैं जो आपने करने हैं, और उसके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो काउंट की जाती है वो होती है आपका रिस्क, कि हाउ मच यू आर प्रिपेयर टू बेयर द रिस्क। अनसर्टेनिटी होती है आपके बिजनेस में किसी हर वक्त, तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर रिस्क टेकिंग का वर्ड हर जगह पर आपको नज़र आएगा, मिलेगा, पढ़ेंगे। तो मोर देन जस्ट द क्रिएशन ऑफ अ बिजनेस, इट आल्सो इंक्लूड्स द जनरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडिया। तो जाहिर सी बात है जो बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हैं वो आपकी कोई सोच है अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी एंड स्किल्स। इट्स अबाउट बीइंग अ डायनामिक थिंकर एंड ऑपरेटर विच इंक्लूड effective communication to all of your stakeholders. दूसरी चीज़ कि आपको dynamic thinker होना पड़ेगा, आपको एक new idea के साथ हर वक्त आना पड़ेगा, अपने business के अंदर नई चीज़ें introduce करवानी पड़ेंगी। उसकी example Apple को देख लें कि Apple जो है उसके वो किस वजह से boost up हुआ उसका business, आज उसकी इतनी बड़ी market क्यों है, reason behind जो एप्पल यूज़र हैं उनसे अगर आप कभी पूछें तो वो आपको इसके बारे में मतलब अच्छे तरीके से समझाएंगे। बेसिकली एप्पल ने ख़ुद को टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में आगे लेकर आए, उन्होंने आए रोज़ एक नई चीज़ दे दी, नया फीचर ऐड कर दिया अपने सेलफोन के अंदर, अपने प्रोडक्ट के अंदर। तो उससे क्या हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इनोवेशन लाते गए, तब्दीली लाते गए, वक्त के साथ साथ चलते रहे, डायनामिक रहे, क्योंकि बिजनेस वर्ड जो है वो डायनामिक है। आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो साइंस के अंदर आप कहीं पे भी चले जाएंगे तो H2+O आपको H2O ही में ही मिलना है, C+O2 करेंगे तो CO2 हर जगह CO2 ही होगा। लेकिन बिजनेस वर्ल्ड के अंदर हर लम्हे के बाद सिचुएशन तब्दील होती रहती है, जो सिचुएशंस होती हैं वो डायनामिक होती है, बिजनेस वर्ल्ड डायनामिक होता है। आप बिजनेस की थ्योरीज को जब रीड करेंगे तो आपको हर जगह पर हर एरिया में कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट होता हुआ नज़र आएगा। तो इसलिए क्योंकि आप लोग ट्रीट कर रहे होते हैं ह्यूमन बींग्स को, और ह्यूमन बींग्स की जो नेचर है वो क्या है, डायनामिक है, क्योंकि आप इंसान के मूड को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, मैयर नहीं कर सकते, वो किसी भी वक्त चेंज हो सकता है। तो हमने अपने बिजनेस के अंदर जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं या जो हमारे एंड यूज़र्स हैं उनके अकॉर्डिंगली चलना होता है। और स्टेक होल्डर्स जो के साथ आपकी कम्युनिकेशन जो है, स्टेक होल्डर आपके आपके बिजनेस के अंदर भी हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स बाहर भी हैं जैसे कि आपके इन्वेस्टर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, ये आपके स्टेक होल्डर्स हो गए। इट इज़ नॉट अबाउट बींग अ Maverick entrepreneur must think tactically and strategically and operate in a similar fashion. तो वही चीज़ जो पीछे मैंने आपको बताई कि डायनामिक होकर सोचना है, टैक्टिकली सोचना है, अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना है,
थ्रेट्स को देखने, कौन से थ्रेट्स को कन्वर्ट करना है अपनी स्ट्रेंथ के अंदर, उसको अपॉर्चुनिटी बनाना है, मौका अपने मौके पैदा करने हैं। क्विक फैक्ट्स को देख लीजिएगा, एंटरप्र सम रीजन टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी आपको अपने वर्क के अंदर, एबल टू डू योर ओन थिंग्स, आपको ये टेंशन नहीं है कि इस टाइम पे पहुंचना है, लेट हो जाऊंगा, आप अपने अकॉर्डिंगली ही काम करेंगे जैसे आप करना चाहते हैं। अगर आप एक सिस्टमेटिक वे से चलेंगे, सीरियस होके करेंगे, तो फाइनेंशियल रिवार्ड्स आपको मिलेंगे जो आपके ही होंगे। जॉब में क्या होता है कि आप किसी और को वो फाइनेंशियल रिवार्ड अर्न करके दे रहे होते हैं। एक लॉस है लॉस ऑफ करंट एम्प्लॉयमेंट। लुकिंग बैक द डे दैट आई गॉट फायर्ड वाज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर फिर यही बात करता है कि अगर मैं पीछे की तरफ अपने माजी को देखूं तो वो दिन मेरे लिए खुशगवार था जब मैंने अपनी जॉब को छोड़ा। उसके रियल एग्जांपल आपके पास जूम है। जूम की अगर आपके स्टडी या हिस्ट्री, जिस पर्सन ने इस ऐप को बनाया है, अगर आप उस थोड़ा सा केस स्टडी को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उसने अपनी जॉब को छोड़कर कितना अच्छा काम किया। एंटरप्रेन्योर बेसिकली क्या है, अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, वो उसको फ्रीडम होती है, इंडिपेंडेंट होता है, रिस्ट्रिक्शन से आज़ाद होता है। आज हम चलेंगे करेक्टरिस्टिक्स को, भी हमने उस दिन डिस्कस किया था, तो पिछले लेक्चर में मैंने उसको डिटेल में डिस्कस किया था, तो आप इस लेक्चर को अगेन सुन लेंगे। वो बुक के अंदर करेक्टरिस्टिक्स को डीपली बताया हुआ है। द चॉइस, सबसे पहले जो है आपके पास टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर में, एज इकोनॉमी हैज शिफ्टेड टू प्लेस अ प्रीमियम ऑन पोर्टेबल स्किल्स। मॉरीशस जो है, इकोनॉमी जो है, वो अब शिफ्ट हो चुकी है, अ प्लेस अ प्रीमियम ऑन पोर्टेबल स्किल्स, वो स्किल्स जो आप आज हर कोई लेकर अपने साथ फिर रहा है, नॉलेज एज वेल एज इफेक्टिव नेटवर्क्स, आप लोगों का जो कम्युनिकेशन लेवल है। एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ बिकम अ वाइबल कैरियर अल्टरनेटिव। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक क्या बन चुका है, एक अल्टरनेटिव कैरियर बन चुका है। जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, दे आर एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स आर क्लासिफाइड इंटू सेवरल कैटेगरी। सबसे पहले हम देखेंगे सीरियल एंटरप्रेन्योर्स, सम हु स्टार्ट्स ग्रोज एंड सेल्स सेवरल बिजनेसेस ओवर द कोर्स ऑफ देयर कैरियर। मतलब वही बात जो पिछली मैं बता के आया हूँ कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद को इम्प्रूव करते रहते हैं, अपने अंदर नए स्किल्स पैदा करते रहते हैं। तो बिजनेसेस जब अपने आप को अकॉर्डिंग टू द टाइम अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं, तो उनके अंदर नई स्किल्स पैदा होती है। तो सीरियल एंटरप्रेन्योर्स ऐसे ही होते हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसको ग्रो करते हैं, और अब विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने अंदर नई स्किल्स लेके आते हैं। नई स्किल्स की वजह से ही वो ग्रो करते हैं। मैंने पार्कटेल की एग्जांपल दी थी, उन्हें ग्रो नहीं किया खुद को, नई स्किल्स नहीं लेके आए तो वो ग्रो नहीं कर पाए। एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं, ड्रीम ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, उनका ख्वाब होता है कारोबार शुरू में करने का। दे होप फॉर अ चांस टू बी देयर ओन बॉसेस। वो अपने कारोबार के खुद सरबराह होने की ख्वाहिश रखते हैं, उनकी उम्मीद होती है, लेकिन बट हैव नॉट येट मेड द लीप फ्रॉम देयर करंट एम्प्लॉयमेंट इन टू द अनसर्टेनिटी ऑफ अ स्टार्टअप। तो वो जो एंटरप्रेन्योरशिप या आपके अपने बिजनेस के अंदर जो अनसर्टेनिटी मौजूद होती है, उस अनसर्टेनिटी को से आप मतलब कि खुद को मुतमईन नहीं कर पाते, आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे होते, बिकॉज बट हैव नॉट येट मेड द लीप फ्रॉम देयर करंट एम्प्लॉयमेंट। करंट एम्प्लॉयमेंट की वजह से आप उस अनसर्टेनिटी को, स्टार्टअप जो होता है, स्टार्टअप की जो अनसर्टेनिटी है, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट किया ये नहीं पता कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इस सोच के ऊपर हम क्या होते हैं कि ये एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर ऐसे ही होते हैं कि वो इसी से ख्वाहिश होती है लेकिन कर नहीं पाते। रिसर्च इंडिकेट दैट एट अ गिवन टाइम 7 मिलियन अडल्ट्स आर ट्राइंग टू स्टार्ट। कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च। लाइफ स्टाइल एंटरप्रेन्योर्स ये सिर्फ अपने लिए काम कर रहे होते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के लिए, अपनी लाइफ्स को बेटर करने के लिए, अपने फैमिलीज को ग्रो करने के लिए। हैव डेवलप एन एंटरप्राइज दैट फिट्स देयर इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस एंड स्टाइल ऑफ लाइफ। इंटेंशन इज टू अर्न इनकम फॉर देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। समटाइम्स रेफर टू अ स्मॉल बिजनेस, छोटे कारोबारी जो है, और मॉम एंड पॉप शॉप्स जहाँ पे मतलब कि आप जाते हैं सामान खरीदा, मतलब वो थोड़ा सा पोर्शन अर्न कर रहे होते हैं। 25 मिलियंस इफ यू काउंट पार्ट टाइमर्स।
पार्ट टाइमर्स को देख रहे, रन देयर ओन बिजनेसेस फ्रॉम होम। ग्रोथ एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं कि वो दोनों एबिलिटीज रखते हैं ग्रो करने की, हैव बोथ द डिजायर्स एंड एबिलिटी टू ग्रो एज फास्ट एज अ लार्ज पॉसिबल, जितना मुमकिन हो सके आगे बढ़ना है, अपने आप को वसी करना है, कारोबार को इंक्रीज करना है। देयर फर्म्स आर द मोस्ट डायनामिक जॉब जनरेटर्स इन द यूएस इकोनॉमी। इस टाइप के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो यूएस इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट कर रहे हैं। देर आर ओवर 300,000 एंटरप्रेन्योर्स कंपनीज विद मोर देन 50 एम्प्लॉयज दैट आर ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 20% पर ईयर। आस्क, अब टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर में जब आप आते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने जब बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे कि एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को देखें तो सब वो इसलिए क्लियर नहीं होते कि कोई खुद से ये नहीं पूछते कि व्हाट टाइप एम आई, कि वो हम खुद किस तरह के हैं। ऑफ द मेजर मिस्टेक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर मेक व्हेन स्टार्टिंग आउट इज नॉट टू क्लोजली क्वेश्चन व्हाट दे वांट टू बी व्हेन दे ग्रो अप। आपका बेसिक एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने पहुंचना कहाँ पर है। ईच टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर इज अ कंट्रोल एंड लाइफ स्टाइल चॉइस विद मैनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दैट मस्ट बी कंसिडर्ड। तो आपने अब कंट्रोल आपका कितना होगा, आपका लाइफ स्टाइल कैसा होगा, इन चीज़ों को आपने सोचना है, इनको देखना है, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी कंसीडर करना है। डिसाइड अर्ली ऑन व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जो मेन चीज़ आपने देखनी है कि आपके लिए वेल्थ इम्पॉर्टेंट है, लाइफ स्टाइल इम्पॉर्टेंट है या कंट्रोल इम्पॉर्टेंट है, कि आप अपने बिजनेस में चीज़ों को कंट्रोल मैनर के साथ लेकर चलेंगे, कंट्रोलिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, या बिजनेस से आपने वेल्थ जनरेट करनी है, अर्निंग ज़्यादा करनी है, या अपने लाइफ स्टाइल को बेटर बनाना है। इसको जब एनालाइज आप अपनी सेल्फ असेसमेंट कर लेंगे, जिसको मैंने लास्ट टाइम कहा था कि स्वॉट एनालिसिस, कि आप अपने स्ट्रेंथ्स को देखें, अपनी वीकनेसेस को देखें, मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ को देखें और मार्केट के अंदर मौजूद थ्रेट्स को देखें, उसके बाद जाकर आप डिसाइड करेंगे कि आप किस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स में जाना चाहते हैं। कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, पैशनेटली सीक अपॉर्चुनिटीज़। एंटरप्रेन्योर्स पैशनेट होते हैं अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने के लिए और ऑलवेज लुकिंग फॉर द चांस टू प्रॉफिट फ्रॉम चेंज एंड डिस्ट्रप्शन इन द वे बिजनेस इज डन। प्रॉफिट को अर्न करने के लिए वो क्या होते हैं, हर वक्त देख रहे होते हैं, चेंज को देख रहे होते हैं। परसू अपॉर्चुनिटीज विद ट्रिमेंडस डिसिप्लिन, अपॉर्चुनिटीज को इस तरह से देख रहे होते हैं, इस मैनर से देख रहे होते हैं कि उनका वर्क पहले से, होमवर्क जो है पहले से हुआ पड़ा होता है। परसू ओनली द वेरी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज एंड अवॉइड एग्जॉस्टिंग देम सेल्फ एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन बाई चेजिंग आफ्टर वेयर एवरी ऑप्शन। वो सिर्फ उस अपॉर्चुनिटी को जाकर देखते हैं जो सबसे बेस्ट फिट कर रही होती है उनके उस बिजनेस के अकॉर्डिंग और उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंगली। वो हर एक चीज़ के पीछे नहीं भागते कि वो शख्स ये कर रहा है तो हमने भी यही स्टार्ट कर देना है, उसने उस ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्टेप लिया है तो हम भी इसको स्टार्ट कर दें। फोकस ऑन एग्जीक्यूशन, लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि आपने सोचते नहीं रह जाना, आपने एग्जीक्यूट करना है, अमल करना है, स्पेसिफिकली अडेप्टिव एग्जीक्यूशन, फौरी एक्शन होना चाहिए। इंगेज इन एनर्जीज ऑफ एवरीवन इन देयर डोमेन, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनको जो आपने असाइन किया है वो उसी बाउंड्री के अंदर रहकर काम कर रहे हैं, आप इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है। कम्युनिकेशन लेवल सबका क्या होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, हर एक के साथ आपकी कम्युनिकेशन लेवल होना चाहिए। लीड बाय एग्जांपल, आप खुद आप क्योंकि एंटरप्रेन्योर बेसिकली लीड कर रहा होता है लोगों को, जो साथ लोग उसके साथ काम कर रहे होते, तो आपने अपने आप को एज एग्जांपल लेकर चलना है। नेटवर्क कम्युनिकेशन लेवल अपना स्ट्रॉन्ग करना है, स्टेक होल्डर के साथ, आउटसाइडर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, आपके एंड यूजर्स के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो एक नेटवर्क एक चेन की सूरत में होना चाहिए। लोगों के साथ कम्युनिकेट, इन्वेस्टर्स के साथ कम्युनिकेट अच्छे तरीके से करना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपने बैलेंस क्रिएट करना है एज एंटरप्रेन्योर, लाइक एम्बिग्यूटी वर्सेस प्लानिंग, इन दोनों के दरमियान में आपने बैलेंस क्रिएट करना है। क्रिएटिविटी वर्सेस डिसिप्लिन, अर्जेंसी वर्सेस पेशेंस, फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एम्बिग्यूटी वर्सेस प्लानिंग, आपने जो प्लानिंग की है वो प्लानिंग इस तरह से होनी चाहिए कि उसमें किसी तरह का भी अभाव ना हो, एम्बिग्यूटी ना हो, हर चीज़ क्लैरिफाई होनी चाहिए, क्लैरिफाइड डिफाइंड होनी चाहिए। क्रिएटिविटी वर्सेस डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी की तरफ जा रहे हैं लेकिन वो एक मैनर में होनी चाहिए, एक
उसके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, अर्जेंसी वर्सेस पेशेंस, पेशेंस के साथ चलना है, लेकिन इतने पेशेंस के साथ भी नहीं चलना कि वो आपके लिए फैटल हो। अडाप्टिव हो आप, फौरी एग्जीक्यूशन हो, बट इस तरह से हो कि वो चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल भी हो, आपको मतलब कि रिस्क इतना ज़्यादा नहीं लेना है कि वो आपको बिजनेस को क्लोज की तरफ ले जाए। रिस्पॉन्सिवनेस वर्सेस सिस्टमेटिक प्रोसेस, ठीक है, आप लोग स्ट्रेटेजिकली आपने स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं, आपके सिस्टमेटिक प्रोसेस हैं, लेकिन सिस्टमेटिक प्रोसेस जो हो वो इस तरह से हो कि उसमें रिस्पॉन्सिवनेस हो। ये ना हो कि आपने एक स्ट्रेटजी ऐसी बनाई है, लेट्स सपोज एक इशू क्रिएट होता है और आपने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि वो इस इशू को पहले एक टीम देखेगी, उस टीम से फिर दूसरी टीम के पास जाएगा, फिर तीसरी टीम देखेगी और एंड पे जाके उसका डिसीजन होगा। ये ना हो कि आपके ये सिस्टमेटिक प्रोसेस जो है वो इतना लेट हो जाए कि कस्टमर आपका वेट ही करता रह जाए और वो उस टाइम फ्रेम में कहीं और स्विच कर जाए। तो रिस्पॉन्सिवनेस भी हो, सिस्टमेटिक प्रोसेस भी आपका हो, लेकिन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। रिस्क टेकिंग वर्सेस कंट्रोल्ड रिस्क, रिस्क टेकिंग हो आप लेकिन वो रिस्क कंट्रोल होना चाहिए, इतना बड़ा रिस्क भी ना हो कि आप मुकम्मल तौर पर ही ड्राउन हो जाएं, मुकम्मल तौर पर ही डूब जाए। शॉर्ट टर्म एक्शन वर्सेस लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए अपने कि हम इतने ड्यूरेशन के लॉन्ग टर्म कोर्स जो बेसिकली होते हैं आपके, उनकी ड्यूरेशन जो होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है, जो शॉर्ट टर्म एक्शन होते हैं वो लेस देन 1 ईयर होते हैं, इन बिटवीन 6 मंथ के होते हैं। तो इन दोनों के दरमियान में आपका बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद स्पाइडर वेब मॉडल यूज़ किया जाता है, उसमें ये आपको ये कह रहा है कि जब स्मॉल बिजनेसेस के जो प्रोसेसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनके ऑपरेशंस डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो आपका एक बड़ा बिजनेस होता है उनमें चीज़ें जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं, मैनेजिंग अ स्टार्टअप इज एनालॉगस टू बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग अ फ्रैजाइल स्पाइडर वेब। मतलब जब आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट शुरू कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि आप एक फ्रेगाइल स्पाइडर वेब बना रहे हैं, विच इज़ अंडर कंटिन्यूस अटैक, जो एक मतलब के खस्ता हाल है स्पाइडर वेब, एक जाल जो है जिसके ऊपर किसी हर वक्त अटैक होना है आपके कंपेटिटिव मार्केट की वजह से, आपके कंपेटिटर की वजह से। आपके इस वेब में एक भी इसका वेब का जो थ्रेड है वो अगर टूटता है अटैक की वजह से, तो आप मुकम्मल तौर पर जो आप, वो आपके लिए क्या होगा, नुकसान भी होगा, वो आपको किसकी तरफ ले जाएगा, वो आपके लिए फैटल हो सकता है, मोहलिक हो सकता है, अनलाइक अ लार्जर कंपनी विद स्पेशलिस्ट। तो जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो स्पेशलिस्ट होती है, उनके लार्ज डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो हर चीज़ को फेस कर चुके होते हैं, वो एक फेज से गुजर चुके होते हैं। जो एक नया स्टार्टअप होता है उसमें ये चीज़ें आपके पास नहीं होती, आपके पास फाइनेंस इतना नहीं होता, आपके पास इन्वेस्टर्स इतने नहीं होते, आपके स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन लेवल इतना स्ट्रांग अभी नहीं बना होता। तो आपने एंटरप्रेन्योर मस्ट लर्न ऑन द जॉब एंड फुलफिल मैनी रोल्स सिमल्टेनियसली। तो आपने एक ही वक्त में ऐसी चीज़ों को अपने साथ लेकर चलना है, आपका कम्युनिकेशन लेवल, आपकी ट्रेनिंग बेटर होनी चाहिए, मैनी फॉर विच दे हैव नो एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग। तो इसी वजह से क्या होता है कि आपका जो स्पाइडर वेब जो आप बना रहे होते हैं वो फ्रेजाइल होता है, वो अंडर कंटिन्यूस अटैक होता है। तो आपने खुद को इस तरह से लेकर चलना है, जो पहला स्टेप हमने पीछे डिस्कस किया था कि आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने आगे चलना स्टेप बाय स्टेप। एग्जाम्पल दिया द इंटर स्टेट नेटवर्क, जो स्टेट्स आपस में जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे आपको नोड्स नजर आ रहे हैं रेड कलर में, वो एक आपको एग्जाम्पल दी है कि इनकी सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कनेक्टेड तो है एक दूसरे से मोर या लेस इक्वली विद इट्स नेबर सच नेटवर्क्स, लेकिन ये क्या है, एक सिमिलर वे में नहीं है। सच नेटवर्क्स ऑफर लिटिल वैल्यू टू एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे नेटवर्क जब आपके होंगे तो उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो आपका जो नेटवर्क है वो क्या होना चाहिए, लाइक स्पाइडर वेब। देखिए हर नोड के अंदर सिमेट्री है, इक्वल चल रहे हैं, जबकि इसमें अगर आप देखें तो लेस कॉमन नोड्स जो हैं वो मतलब कि एक दूसरे के साथ अटैच है। एयरलाइन नेटवर्क एग्जांपल दे रहा है, इन विच सर्टेन नोड्स हैव अ हाईली कंसंट्रेटेड सेट ऑफ कनेक्शंस। देखिए रेड कलर को देखें, या उसमें जो आपको एक डार्क कलर नजर आ रहा है, देखिए ये कितने ज्यादा कंसंट्रेटेड है। एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई अ नेटवर्क विद हाईली कनेक्टेड पीपल एंड की इन्फ्लुएंसर्स। तो आपका जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा कनेक्शन में होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, कम्युनिकेशन लेवल, आपने एक पावरफुल नेटवर्क क्रिएट करना है।
इंटरनेट इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ स्केल फ्री नेटवर्क। इंटरनेट आपके पास एक एक उस आपके जब इसमें आप एंटरप्रेन्योर में हैं तो आपका जो नेटवर्क चैनल है वो लाइक एज इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट के देखिए आप इमेज को देखिए, एंटरप्रेन्योर एक्सप्लॉइट इट्स यूनिक एक्ट्रेस फॉर फाइंडिंग रिसोर्सेज। आपके रिसोर्सेज बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, प्रॉब्लम को टैकल कर सकती हो, एफिशिएंट मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज आपकी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने यही डिस्कस किया। तो मैं इस प्रीवियस लेक्चर में वॉच वीडियो के बटन के ऊपर थोड़ी सी मिस्टेक रह गई, तो वो भी रिमूव हो गई है। तो आपके ये नोट्स में दोबारा भी अपलोड कर दूंगा। मज़ीद अगर आपको कहीं पे भी कोई इशू है तो आप ये जो जिस वेबसाइट से आपको ये चीज़ मिलेगी वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। आप वीडियो में भी जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे कुछ भी क्वेश्चन करना है इजीली आप फ्रीली आप क्वेश्चन करें, आपको उसका आंसर मिलेगा। कहीं पे भी कुछ भी अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो। अल्लाह हाफिज़।